हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। देखिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर जिला शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019, जिसकी एग्जाम डेट 6 जनवरी 2019 को थी। इसमें ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर कितने परसेंट रिजल्ट डिक्लेयर किए जा सकते हैं और कितने गुणांक तक अंतिम रूप से चयनित होने की संभावना है। तो ये सिर्फ एक अनुमान है और इसमें हम आपको पहले टोटल क्लियर कर दें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, कितने डिवीज़न हैं, उसको पूरा बताने के बाद तब हम कट ऑफ आपको बताएंगे कि कितने गुणांक का कट ऑफ बताएंगे कि कहां तक संभावना बन सकती है अंतिम रूप से चयनित होने के लिए। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबका कैटेगरी वाइज हम आपको वीडियो के एंड तक आपको बता देंगे। तो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे देखिए टोटल सीट्स आपकी 69,000 है और आपको पता है जिसमें यूआर यानी कि अनरिजर्व सीट है 50% अनरिजर्व सीट है, तो टोटल लगभग जो है 34,500 सीट जो है यहाँ पर अनरिजर्व है, यानी कि जनरल की सीट जिसे हम कहते हैं जनरली में, वो रियलिटी में वो यूआर अनरिजर्व होती हैं। इसकी कटाव जो है सुपर टेट मार्क्स जो गए हैं उसकी कटाव गई है 97 मार्क्स, यानी कि 97 मार्क्स और 97 से एवम मार्क्स जो भी लोग पाए हैं वो इस 69,000 शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 27% का रिजर्वेशन है इनके लिए, यहाँ पर सीट्स आपकी हो जाएगी 18,630, यानी कि 18,630 सीट जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। और एससी एसटी के कैटेगरी की अगर हम बात कर लें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, तो यहाँ पर 23% यानी कि 23% का रिजर्वेशन है। तो इस हिसाब से 15,870 सीट्स जो एससी एसटी के लिए होती है। ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो पासिंग मार्क्स रखा गया है सुपर टेट में वो 90 मार्क्स रखा गया है। ओके, इनका कट ऑफ जो है 90 मार्क्स है और यूआर का कट ऑफ जो है 97 मार्क्स। तो यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हो गए, कैटेगरी वाइज डिवीज़न आपको हमने बता दिया। अब हम सुपर टेट के बारे में बात कर लेते हैं कि सुपर टेट में कितने रिजल्ट डिक्लेयर किए जा सकते हैं। देखिए, सुपर टेट 6 जनवरी 2019 को परीक्षा इसकी कराई गई थी, संपन्न हुई थी। टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए हैं 4,10,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। आपको लोगों को पता ही है 4,10,000 कैंडिडेट अपीयर हुए हैं सुपर टेट के एग्जामिनेशन में, जहां 95% की उपस्थिति थी। सर्वे रिजल्ट है, यानी कि ये रिजल्ट जो 22 जनवरी को डिक्लेयर किया जाएगा, कितने प्रतिशत रिजल्ट घोषित किए जा सकते हैं। तो देखिए, एक अनुमान है, ये कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। यूपी टेट के आधार पर सुपर टेट का रिव्यू किया गया है कि कितने परसेंट रिजल्ट आ सकते हैं कट ऑफ लगने के पश्चात। देखिए, 20-25% जो है रिजल्ट सुपर टेट में आपको देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से अगर हम 4,10,000 का अगर निकालें, 20-25% ले लेते हैं मैक्सिमम, तो 1,00,000 कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड होंगे सुपर टेट एग्जामिनेशन को, जो अंतिम रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये टोटल हो गया पूरे आंकड़े जो 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हैं। अब फाइनल मेरिट की बात है, फाइनल मेरिट देखिए कैसे बनेगी। अगर हम फाइनल मेरिट की बात करें तो जो बीएड और बीटीसी के कैंडिडेट हैं उनमें सुपर टेट की मेरिट और एकेडमिक मेरिट ली जाएगी। सुपर टेट की मेरिट जो है 60% और एकेडमिक मेरिट 40% ली जाएगी। और गुणांक कैसे निकालना, इसके भी ऑलरेडी हम वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यदि आप नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो सिंपली आप जितने भी मार्क्स सुपर टेट में गेन किए, मान लीजिए 100 मार्क्स आपने गेन किया है, इसको सिंपली 2/2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5×2=10, यानी 20 यानी कि 40 अंक आपके सुपर टेट के बनेंगे। ओके, अब जो भी आपका 25 अगर एकेडमिक मेरिट है तो उसको आप ऐड कर लीजिए, हर प्रत्येक का आपका 10% लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 अंक। ये आपका गुणांक हो गया, यही अंतिम रूप का गुणांक है आपका। ठीक है, अगर आप शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र के लिए यहाँ पर सुपर टेट, एकेडमिक मेरिट और भारांक, विशेष रूप से 25 अंक का भारांक जो शिक्षा मित्रों को दिया गया है, ये सभी शिक्षा मित्र को 25 अंक का भारांक नहीं मिलेगा। हालांकि ये सभी को भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके एक्सपीरियंस के आधार पर, 1 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो 1 ईयर के आधार पर आपको 2.5 अंक का गुणांक दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जितने भी मैक्सिमम 25 अंक का ही भारांक दिया जाएगा, तो मैक्सिमम जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनका 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से 25 अंक बनता है उनका। ठीक है, और किसी का 20 ईयर या 15 ईयर है किसी का, तो 15 ईयर का वो 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे कि उतना हो जाएगा, लेकिन 25 अंक मैक्सिमम मिलेगा यहाँ पर उनका गुणांक भारांक।
अब देखते हैं मेरिट कैसे, अगर मान लीजिए एवरेज मार्क्स अगर हम लेकर चलते हैं कि एवरेज मार्क्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए एवरेज मार्क्स अगर हम सुपर टेट में 40 मार्क्स लेते हैं, तो देखिए 40 अंक हमने निकाला था, तो 40 अंक यहाँ पर सुपर टेट के आपके गुणांक बनेंगे। एवरेज एकेडमिक मेरिट ले लें तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम जिसकी एकेडमिक मेरिट होती है 20 है, अब मैक्सिमम अगर जाते हैं तो 20 या 30 तक चले जाइए, 30 है किसी का 32 भी हो सकता है, मैक्सिमम आप 30 ले लीजिए, जनरली यहाँ पर कैंडिडेट मिल जाते हैं 20 से 30 के बीच में। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो आपका 25 हम एवरेज जो एकेडमिक मेरिट है उसको हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, तो एकेडमिक मेरिट अगर 25 है और आपका अंक जो है यहाँ पर सुपर टेट का 40 अंक है और टोटल आप अगर ऐड करेंगे इन दोनों को तो 65 अंक का गुणांक आपका बन रहा है। ओके, यदि आप शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र है, यदि यही आपका मेरिट है तो इसमें आप जो है 40 अंक का आपका एवरेज मार्क्स का ले लीजिए, 25 अंक एकेडमिक मेरिट का ले लीजिए और 25 अंक आप भार अंक ले लीजिए, यानी टोटल 90 अंक आपके जो है बनेंगे शिक्षा मित्र के। ठीक है, तो ये टोटल जो है यहाँ पर ये आंकड़े हैं 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा के जिसमें आपको भाग लेना है, तो ऐसे नियम हैं जो बनाए गए हैं इस पर। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कट ऑफ क्या हो सकती है, कहाँ तक गुणांक तक सेफ हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सेफ होने के लिए हम आपको बता देते हैं कट ऑफ क्या क्या हो। देखिए यहाँ पर हम 100% सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं, जो 100% सिक्योर हैं जब तक अभी जब काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी तभी इसका आधिकारिक रूप से आंकड़ा सामने आएगा, या 22 जनवरी को जब रिजल्ट डिक्लेयर होंगे इवनिंग में तब आधिकारिक रूप से आंकड़ा सामने आएगा क्या हो सकती है। तो कट ऑफ देखिए जनरल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो लोग सुपर टेट में 105 प्लस मार्क्स हैं ओके, वो 100% सिक्योर हैं, उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से अंतिम रूप से होगा और उनका गुणांक जो है 70 या 70 प्लस बनना चाहिए। 70 या 70 प्लस अगर गुणांक उनका बन रहा है तो वो 100% सिक्योर है, उनको कोई हटा नहीं सकता, 100% सिक्योर है कि उनको एक सीट मिलनी निश्चित है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो, क्योंकि रीज़न यहाँ पर जनरल कैटेगरी का गुणांक इसलिए हाई जाना है क्योंकि यहाँ पर जितने भी शिक्षा मित्र आपके पास होंगे उनका गुणांक 90 अंक है और आपका गुणांक एवरेज 65 है या मान लीजिए आपके 70 है, तो यहाँ से फिर भी आप बहुत दूर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत दूर है, तो यहाँ पर जो शिक्षा मित्र यहाँ पे गुणांक उनका बनेगा तो गुणांक के आधार पर वो जनरल के कैटेगरी में जाएंगे, चाहे वो जिस कैटेगरी के हों, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ और गुणांक जो है हाई हो जा रही है जनरल की। अब हम ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी में जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया हो सुपर टेट के एग्जामिनेशन में और जिनका गुणांक 65 प्लस बन रहा है वो 100% सिक्योर हैं कि उनकी एक सीट यहां पर कंफर्म है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओके, एक अनुमानित आंकड़ा है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं कि यही कैटेगरी, यही जो है कट ऑफ जो है यही रहेगी आपके काउंसलिंग प्रक्रिया में जब आप भाग लेंगे। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 90 या 90 प्लस जिन्होंने भी स्कोर किया हुआ है सुपर टेट के एग्जामिनेशन में और 60 अंक का उनका गुणांक बन रहा है, 60 अंक का अगर उनका गुणांक बन रहा है तो यहाँ पर एससी एसटी निश्चित रूप से आप अंतिम रूप से 100% सिक्योर है कि आप 100% सिक्योर है कि आप चयनित होंगे। 60 अंक का भी गुणांक अगर बन रहा है आपका तो हो सकता है कि यहाँ पर कैटेगरी की सीटें जो है खाली हो सकती हैं। जनरल ओबीसी की पूरी सीट फुल होगी, इसमें नो डाउट ये पूरी फुल होगी, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी की सीट जो है खाली भी जा सकती है, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है यहाँ पर फाइट करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अगर कट ऑफ डाउन होती है तो कितनी डाउन होगी उसके बारे में हम आपको बता भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी डाउन होगी तो कहाँ तक हो सकती है, अगर जनरल कैटेगरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 102 प्लस मार्क्स भी जिसने स्कोर किया हुआ है सुपर टेट के एग्जामिनेशन में और जिनका गुणांक जो है 68 प्लस बन रहा है, तो वहाँ जनरल में यहाँ पर भी आप जो है चयन आपका हो सकता है, आपके चांसेस जो है 70-30 के हो सकते हैं, क्योंकि जब तक आधिकारिक आंकड़ा नहीं आएगा तब तक कोई भी क्लियर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी उम्मीद है कि 70% चांसेस आपके जो है सिलेक्शन होने के हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आपने 94 प्लस जो मार्क्स सुपर टेट के एग्जामिनेशन में स्कोर किया हुआ है, गुणांक अगर आपका 64 प्लस है, तो यहाँ पर आप चयनित होने के हो सकते हैं, यहाँ पर भी आपका 70-30 का चांसेस है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी जो पूर्व में कट ऑफ हमने बताई थी वही कट ऑफ यहाँ पे भी रहेगी, 90 प्लस आपका स्कोर है सुपर टेट के एग्जामिनेशन में, 60 प्लस आपका अगर गुणांक बन रहा है
तब आप निश्चित रूप से यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित होंगे। तो दोस्तों ये टोटल अनुमानित आंकड़ा है। देखिए यहाँ पर हम किसी वर्ग को खुश करने के लिए नहीं कटाप बता सकते, जो रियलिटी आपको स्वीकार करना पड़ेगा यही रियलिटी है, यही कटाप और यही गुणांक जो है आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए कोई वर्ग को हम खुश करने के लिए आपको बता दें कि नहीं 97 मार्क्स तक भी चांसेस हैं होने के, क्योंकि आप सभी आंकड़े देख रहे हैं उसी आंकड़े के अनुसार जो है काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और हम देख लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। हालांकि अभी इसकी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट जारी नहीं की गई है, तो पिछली भर्ती परीक्षा के आधार पर ही डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट हो सकती है, कुछ सीटें का अंतर हो सकता है। तो उस सीटों को हम देख लेते हैं कि कहां पर कहां सबसे ज़्यादा सीटें रहती हैं। तो देखिए ये टोटल डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट है, इसको आप देख सकते हैं, आगरा में 1200 सीट है, अलीगढ़ में 800 सीट है, इलाहाबाद में 1400 सीट है, और बाकी जब डिस्ट्रिक्ट आप देख लेंगे यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं, गोरखपुर में 900 सीट है, और बाकी आपके जो सबसे अधिक सीटें हैं यहाँ पर सीतापुर में 2000 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जनरली हर जगह करीब 1000 के आसपास सीट है, कुछ ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 500-800 सीटें हैं, और वाराणसी में आप देखेंगे 980 सीट है, और इसके अलावा आप चंदौली में 450 सीट है, संत कबीर नगर में 1000 सीट है, कानपुर देहात और कानपुर नगर इनकी मेरिट सबसे हाई जाती है, लखीमपुर खीरी की मेरिट बहुत कम जाती है, संत कबीर नगर सीतापुर की मेरिट भी कम जाती है, श्रावस्ती की भी मेरिट सबसे कम जाती है, लखनऊ की मेरिट जो है सबसे अधिक जाती है 1000, वाराणसी की मेरिट सबसे अधिक जाती है। तो आपको 75 डिस्ट्रिक्ट फिलअप करने होंगे, तो काउंसलिंग प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तब हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कैसे फिलअप करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके अपने डाउट्स बताइएगा, फिर हम आपको वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।